कि उम्मीद है नफरत की सियासत न रहेगी, उम्मीद है नफरत की सियासत न रहेगी। अच्छा, आप सब भी सुनिए। दीवार भले होगी मगर छत न रहेगी। वाह। इस दौर के फिरौन की तुम देखना अनगढ़। वाह। अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत न रहेगी। कुछ लोग क्या काम कर रहा है, मैं तो देहाती आदमी, मैं क्या जानूं। बस तो देहाती में ही बोल दो आज। बता दो तुम, मैं बता दिया तुम्हें सरकार। ये बताओ मोदी ने क्या काम किया 5 साल में। मोदी जी ने मोदी जी ने बस और बस जो बहन की चीख में डाल है। विकास की बात कुछ नहीं, मैंने जानता हमारी मोदी ने बस। हम तो 15 लाख आए थे सर। अरे आप गुस्सा हो रहे, सुनिए तो हमला वोट दिया साइकिल पे। मोदी जी को क्यों नहीं दिया? नहीं ना दिया, इन्हें हमें नुकसान पहुंचाया। हमारी बीमारियां भी रुक रही है अस्पताल में, बीमारी भर्ती हमारे पास को किस दिया भी रहा भाई। हम बता, हमने क्यों ना दिया मोदी को वोट? हमने मजदूरिया कर करके 2500 रुपए दिए, वो खाएगा, हम पैसा दिलवाएंगे, पैसा दिलवाएंगे। न्याय योजना सब खा रहे कर्मचारी, सब खा रहे। 5 लाख मिलेंगे के 2 लाख मिलेंगे, क्या 500 रुपए महीने के मिलेंगे? 3000 रुपए ले गया मुख्यमंत्री का, सरकार का हमसे तू कह दे महीने पीछे 500 रुपए मिला करेंगे तुम्हें। और लोनियों का ले गया 1000 रुपए लोनियों का ले गया, वो लेगा सोबा धाजा देंगे, डबल बेड देंगे, मशीन देंगे, न कुछ न दिया, वो भी खा गया 4000 रुपए खा हुए पर आगे। तो मोदी योगी ने कुछ नहीं किया? मोदी ने कुछ खराब अपने अपने साथ पहुँचवाया, हमारा कुछ साथ तरफ पहुँचवाया मोदी ने। हमको बहुत गरीब हमारी लड़की पहुँचा देते, हमारी तो हमारी सहायता नहीं पहुँचाई मोदी। हमारी लड़की तरक्की जमान बैठी और हमारे उल्टे पैसे खा दिया गए। चार लोगों के नाम लिख के ले गया 7 का और 1 पाई नदी और खा गया 4-7 हजार रूपए, 10-12 हजार रूपए खा गया। उसकी करी तो उसके फार्म भर के लेगा तो मिलेंगे कुछ ना दिया, कुछ ना मिला, 5 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख मिला, कुछ ना मिला, कुछ ना मिला सब ऐसे खा दिया। परेशान होकर हमारा आदमी तो कोई भी ना था, देखने गांव बस कर रहा है जब ऐसे कचड़े में लिख रहा है, देख ही रहेंगे लिखना, बारिश हो जाए 4 बूंदे पड़ जाए रास्ते बंद हो जाए लिखने हमारे। यहाँ कोई मंत्री या कोई आ रहा है नेता? मोदी भैया सब गोली बंदी फोन लुटवाई है, कटवाई है, अब क्या क्या करवाएगा आदमी को, कटवाएगा क्या करा मुसलमानों का, बुरा हाल कर दिया साहब। जबकि किसने बोला? ये तो कहते बेकार कर दिया, हमारा मोहल्ला बेकार कर दिया, हमारे बच्चे कभी बेकार कर दिए, गरीबों को सास्ता ना, मालदार को सास्ता, हम तो ऐसे ही है बेकारों में ही है समझ में। क्या पूरे हमारे बच्चे गार में लौटे, हमारे ढोर गार में, बकरी बच्चे गार में, कोई हमारा बच्चा नहीं है ऐसा। और इन्हें ऐसा करा जो कोई आज किसी ने करा ही ना होगा, किसी ने राजपाल जी ने मोदी ना करा हमारा। सियासी सरगर्मियों को आप तक पहुंचाते पहुंचाते आज हम पहुंच गए जलालपुर मोहम्मदाबाद में। यहां मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के 5 साल पर और विकास पर। कितना विकास देश में हुआ है? विकास के मामले में आपने मेन रोड देखा है, 2.5 साल योगी सरकार रही है, उसमें जो है योगी ने बोला था कि 1 साल में गड्ढे मुक्त होंगे, कुछ नहीं हुआ है। एक कोई वादा पूरा नहीं होता नजर आया हमें। कोई इंसान ऐसा नहीं जो परेशान नहीं है, अमीर है या गरीब है, सब मजदूर तो ज़्यादा परेशान है। कम से कम ऐसे तो कि जितने लड़कों को बोला गया ग्रेजुएट लड़के हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली है, सारे परेशान। यहाँ कोई विकास ऐसा नहीं हुआ जिससे कि आदमी उसका आराम मुक्त है, और ना कोई चीज़ यहाँ दी गई है, और कुछ ऐसा भी है कि गले का हिसाब कोई नहीं, ख़त्म कर दिया कि सारा कार्ड काट दिए गए, कहने ये तुम्हारे भी कट गया, ये उसका कट गया, ये फलाने का कट गया। मोदी जी को दोबारा आना चाहिए? नहीं नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए? वो नुकसान पहुँच रहा है, नुकसान पहुँच रहा है जी हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं मुझे 5 साल और दो, मैं अरे वो ठीक है, वो आपका और गड्ढे में घुस देगा। अरे वो आपका गड्ढे घुस देगा, नहीं मांगने होंगे। नहीं ये 5 साल क्या, उन्हें तो 1 दिन भी देना देश को नुकसान पहुँचाने के लिए है। वजह क्या है? वो तो हिंदू मुस्लिम को फसाद कराते हैं, झगड़ा कराते हैं योगी जी या मोदी जी। उन्होंने करा क्या देश के लिए? उन्होंने तो योगी जी ने या मोदी जी ने तो जो वादे किए थे, 15 लाख का वादा किया, वो कुछ नहीं मिला। अब किसानों के लिए कहा तो है कि 6-6 हज़ार रुपये देंगे 1 साल में, जबकि लोगों को नुकसान इतना पहुंच रहा है, 2 हज़ार रुपये फसल पे दे रहे हैं वो,
फसल का गेहूँ के खेती में नुकसान इतना होता है कि 10,000-15,000 रुपए का लोगों को नुकसान हो गया एक फसल पे। हर तरह की परेशानी आई कि मैं कोई लोग फायदा नहीं हुआ इसकी सरकार में, वही इनकी सरकार में कोई भी फायदा नहीं हुआ। हर आदमी के नाम, हर अधिकारी के कहने में अपना मजा मार रहे हैं जो कि उनके नौकरी पैसा है, और कि मैं किसी पब्लिक के आदमी को कोई एहसास नहीं हुआ, यानी के कहने में उनने कहा हमें कोई फायदा हुआ। मोदी जी ने तो नारा दिया था मैं जब आऊंगा तो अच्छे दिन लाऊंगा, और तो अच्छे दिन लाऊंगा वो इससे और अच्छे दिन क्या लाएंगे कि मैं हर आदमी के तुल गएंगे कि ना उसके खून खींचने में। भाई जो पैसा इकट्ठा कर भी लिया है उसने तो उसका क्या कहना है, वो कहें 50,000 तो भर्ती नहीं निकालेगा, 2,000 तो भर्ती जमा नहीं करेगा, इनने और करा क्या इस बात में बताओ। मैं हर आदमी पब्लिक का परेशानी में ही है, गाय की यूँ विवाहित हुई है कि कहना उन्होंने कहा भर के पेट गोद नहीं मिल जाएगा, किसानों के पेट खेतों में जा रहे हैं वो अच्छे से अच्छा खा रहे हैं और वो गन्ने में नुकसान हो रहा है वो ठीक है उनके लिए। गाय के नाम से नाम कमा रहे हैं, वोट कमा रहे हैं, वो गाय को छोड़ दिया खुला, किसान खाएंगे उसका झूठा, गाँव गाय को कर दिया उन्होंने अपने ऊपर, बोले उनकी गाँव माता है। अरे गाँव माता है तो उसको अपने बांध के चारा घर पे खिलाओ, जो किसान अपने खेत से काट के लाएं उसको खिलाएं, अब उसको खेतों में छोड़ दिया, किसान रखा रहा उसको क्या क्या फायदा से गाय से क्या फायदा, उसको छोड़वा दिया, गौशाला बना दी, किसानों को कुछ मिल ना रहा, गौशाला में गायें भूखी मर रही हैं, पन्नी खा रही हैं, तो उनको अच्छा मारना है या बांध के घर को खिलाने को उसका अच्छा है ये बताइए, इससे क्या फायदा हुआ हमारे गाय से, इसको क्यों ला रहे हैं राजनीति में, पहले नहीं लाए कभी, अब क्यों राजनीति में ला रहे हैं उसको, राजनीति पहले भी थी अब के भी है क्या, इसी साल में 5 साल में राजनीति हुई है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए, बोले आपस में लोगों को लड़ाओ और वहाँ पर वोट दो, हम बैठेंगे कुर्सी पे, हमारे यहाँ देश में होए या कुछ होए क्या बेच दें देश को। बीजेपी ने कहना बस अपने भला करा और कुछ नहीं करा उन्होंने अपने साथ में, तो पब्लिक को तो परेशान ही करा भाई उन्होंने, कोई किसी तरह की कहने में कोई किसी तरह की कहने में आनी नहीं पब्लिक पर, तो सब उन्होंने अपने भला चाहा, बस पब्लिक का आदमी तो क्या कहने में और इतना परेशान और था क्या कहना, हम लोग वो लाइन में और लगा बेचारा उसे धक्का ही मिले कमजोर को। रोजगार कितना बढ़ा, रोजगार के कहने में कहाँ बढ़ा इस सरकार में, इसमें तो कम हुआ, जो था वो भी चला गया आपने उससे। अब हम यहाँ के गांव वालों के साथ ये आपको सड़क दिखा रहे हैं जो इनके गांव की सड़क है, आपकी शिकायतें ये हैं कि कितना विकास हुआ है यहाँ, सड़क पे कितना काम हुआ है, आपके इलाके में कितना काम हुआ है, आप बताएंगे, आप गांव वाले यहीं के हैं, आप बताएंगे क्या क्या हुआ है आपके यहाँ, ये विकास है सर, आप ये विकास दे सकते हैं, ये रोड में देख सकते हैं साहब आप, कोई शराब सफाई कर्मचारी इधर गांव में नहीं आते, भंगी भी ले लिया, कोई भी नहीं आता, जो भी चीज आई सरकार से वो वापस चली गई, यहाँ के लोग यहाँ सब में विकास ही विकास चमक रहा है, काफी विकास ही चमक रहा है, देखो आप सब विकास ही विकास दिखाई दे रहा है सर, ये समस्याएं ये नालियां हैं, ये 15 दिन में 20 दिन में तो इनका नंबर आता है साफ होने का, समझे, हाँ जब वो करते हैं ना तो 15-15-20 दिन में एक एक महीने में तो इधर को लौट रहे नाली साफ करने को। दूसरा ये थोड़ा सारा खरंजा यहाँ पर यहाँ बनने को, बरसात होती है तो निकला ना जाता, हाँ। विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, हाँ ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया, हाँ तो आपको लगता है हुआ है? अजी हमारे सामने गांव में तो हमारे कुछ भी ना हुआ, हाँ। देश में जो 5 साल ये गुजरे सरकार के बीजेपी हुकूमत के, हाँ हाँ, जिसमें हिंदू मुसलमानों को पूरी तरह से बांटने की कोशिश की गई, क्या कहना है आप? सुनो विकास के बारे में सुन लियो, जे पहले विकास, हाँ जैसे गरीबों के लिए कॉलोनियाँ आई, हाँ कॉलोनी आई गरीबों के लिए, फार्म भरे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने जैसे का ये वो होते हैं क्या कहते हैं उन्हें सेक्रेटरी वगैरह कहते हैं, हाँ ब्लॉक वाले या प्रधान है ना मालूम कौन किसने फार्म भरे, यहाँ कोई जांच करने ना आया, वहाँ से हुई लिख कर दे दिया उनने कि इनके पक्के मकान है लेंटर पड़े हुए हैं और कुछ भी ना हुआ यहाँ पे। 15 लाख का मोदी जी ने वादा किया था, आपको दे दिए? ना जी हमें ना पता, हमने ना सुनी ना 15 लाख की ना 5 रुपए की भी आए नहीं, मतलब ज़्यादा जीरो अकाउंट खुलवाया, सबके खाते में 15-15 लाख, हमारे खाते में 2 पैसे ना आए कहीं से भी, बल्कि आपका जो है ना वो बता रहे हैं कि साहब 2-2 हज़ार रुपए ये किसानों को आएंगे, वो भी ना आए अभी तक भी। 5 साल में यहाँ जो भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ यही हुआ,
कोई भी कर्मचारी या कोई भी आने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं जो कि हाँ एक दिन भी अगर किसी से कह दो कि सफाई करो तो अगर प्रधान पे जाओ तो प्रधान नहीं सुन के देते, और किसी पे जाओ तो वो पैसे कह देते हैं, बोले कि आपके गांव का मसला है। गांव का मसला तो भाई जब ही है जब क्या नाम है गाँव में कोई कर्मचारी आएगा, यहाँ ना तो कोई कर्मचारी आने वाला और ना ही यहाँ कोई किसी को क्या नाम है देखने वाला। अच्छा, किसी से भी अगर कोई बात कहो जाकर तो वो उल्टी ये कह देता कि आपने प्रधान से मिलो, आपने उनसे मिलो, और जो भी कोई भी समस्या हो गांव की या कैसी भी उसमें अड़ंगा यही डलता है कि राजनीति वाला। अच्छा, मोदी जी एक मौका और मांग रहे हैं, 5 साल दिए जाए उन्हें, नहीं दिए जाए काम करने के लिए। अजी मोदी जी को 5 साल देने से पहले गए, 5 मिनट भी नहीं दिए हमें। जैसे मोदी जी हैं ऐसे कोई भी हो, ये नहीं कह रहा कि मोदी जी हो खाली, जैसे कि वो वादे कर रहे हैं और वादे करने के बाद में झूठे हो रहे हैं, तो ऐसे झूठे आदमियों को तो 5 मिनट भी ना दिए जाए। ये मैं नहीं सभी कह रहे हैं इस बात को, कोई भी आदमी किसी से भी मालूम कर लो, ये नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ, 5 मिनट भी कोई भी कर्मचारी कहे। ये महमूदाबाद, जलालपुर महमूदाबाद से हम आप तक ये आवाज़ पहुंचा रहे थे। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सड़कें हमने देखी, नालियां हमने देखी, विकास के नाम पर यहाँ बिल्कुल अगर सरकार को नंबर दिए जाएं तो वो ज़ीरो होंगे। और यहाँ जब हमने एक सवाल किया कि मोदी जी को 5 साल मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, तो एक बहुत अच्छा जवाब निकल कर आया जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने जवाब दिया कि मोदी जी को 5 साल क्या, 5 मिनट भी देना बहुत बड़ी बात है, यानी उन्हें 5 मिनट भी नहीं देने चाहिए। जलालपुर से ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए मैं साहिल नकवी।